इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ओके स्टार्ट। टोटल कॉन्सोनेंट आर 24। ओके लेट्स विल बी सी सिक्स कॉन्सोनेंट टुडे। ओके स्टार्ट। पी, तो पी को हम कैसे लिखेंगे? पी को क्रॉस में पी ऐसे लिखेंगे। ओके 120 डिग्री पे लिखेंगे पी। कैसे? लाइट में लिखेंगे। ओके पी टी चे, ये लाइन सारी की सारी लाइट में लिखेंगे, रे डार्क में लिखेंगे। ओके बी डी जे, जो वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी, वो शब्दों को हम डार्क में लिखेंगे। ओके तो पी, पी ऊपर से लेके नीचे की दिशा में लिखा जाता है पी। ओके लाइट में लिखने का पी डी टी। ओके पी लिख दिया, अभी लिखेंगे बी। बी को भी पी के जैसा ही है, लेकिन डार्क बी निकालेंगे ऊपर से नीचे की दिशा में। ओके ये तुम्हारी लाइन। ओके ऐसे ऊपर की नीचे की, ऊपर से नीचे की दिशा में लिखेंगे पी, और वैसे ही बी भी लिखेंगे ऊपर से नीचे की दिशा में लिखेंगे बी। ओके और बी कैसा आएगा? हेवी आएगा, मतलब डार्क में लिखने का। और टी, टी और डी, टी एज अ लाइट। ओके ऊपर से नीचे की दिशा में लिखने का टी एज अ लाइट वर्ड। ओके एल फॉर लाइट। ओके डी, टी के जैसा ही ऊपर से नीचे की दिशा में लिखने का, हेवी में लिखने का। ओके डार्क। ओके डी फॉर डार्क। ओके डार्क। चे, जे चे को लाइट में लिखने का, थोड़ा क्रॉस में, तो पी के जैसा, पी के ऑपोजिट चे। ओके एज अ लाइट। ओके एज अ लाइट कॉन्सोनेंट चे। नेक्स्ट जे, जे को भी चे के जैसा ही लिखना है बट डार्क में लिखना है जे। ओके जे, और पेंसिल हल्की नहीं चाहिए, बराबर स्टार्टिंग से पेंसिल का यूज करने का। जे 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 हेवी आएगा, बराबर ऊपर के पी टी चे तीनों के तीनों लाइट आएंगे, एल फॉर लाइट। डी, बी, डी और जे तीनों के तीनों डार्क में आएंगे। ओके और आगे के कंसोनेंट नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।